मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। एक तरफ कमलनाथ जहां राजनीतिक दल में सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वहीं दिग्विजय सिंह विधायकों को साधने के साथ साथ बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय ने विधायक संजय पाठक को लेकर कहा कि संजय पाठक ने पैसा ज्यादा कमा लिया है, इसीलिए वे भटक गए हैं। वहीं अब भी कमलनाथ सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार किए जाने की बात कही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा से पहले राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। वहीं कांग्रेस के एक विधायक के इस्तीफे और कई समर्थक विधायक के तीखे तेवरों ने कमलनाथ सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। अब कांग्रेस नेताओं द्वारा डैमेज कंट्रोल करने की कवायद चल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारी राजनीतिक पहचान अलग होनी चाहिए। उन्होंने कहा राजनीतिक दलों में सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन अगर हमारी राजनीति में भी गिरावट आई है तो आज हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। सबको एक उदाहरण देना चाहिए कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं। राजनीति में सिद्धांतों की बात कमलनाथ शायद विधायकों को पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिद्धांतों की बात करने वाले कमलनाथ सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बहुत से भाजपा विधायक उनके समर्पण में हैं। अब इसके मायने क्या हैं, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, कौन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, ये तो कमलनाथ और उनके मंत्री ही बता पाएंगे। ये सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, ये सेवा की राजनीति करते हैं, तो हमें अपने राजनीति की भी ऐसी पहचान बनानी है देश में, जहां मैं ज्यादा नहीं कह रहा इसमें, ऐसी पहचान बनानी है जहां हमें गर्व होए, ऐसी पहचान बनाए कि हम अपने देश में जहां भी जाए हम अपनी छाती ठोक के कह सकें हम मध्य प्रदेश से आए हैं। ये हमारा लक्ष्य है। हॉर्स ट्रेडिंग की खबर को चर्चा में लाने और कांग्रेस के लिए संकट मोचन के रूप में प्रस्तुत कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा विधायक संजय पाठक को लेकर कहा कि संजय के पिता उनके मित्र थे, उन्होंने ही संजय को जिला परिषद का अध्यक्ष बनवाया था। अब संजय ने पैसा खूब कमा लिया है, इसीलिए वे भटक गए हैं। दिग्विजय सिंह ने यह दावा किया कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उधर दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए संजय पाठक ने कहा कि दिग्विजय सिंह से ज्यादा मैंने पैसे नहीं कमाए हैं, उन्होंने व्यापार से पैसा कमाया है, अवैध धंधे से नहीं कमाया। संजय पाठक के पिता सत्यदेव पाठक मेरे निजी मित्र थे। जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर के अध्यक्ष थे, जिनमें प्रदेश कांग्रेस का मित्र मेरे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर। संजय पाठक को हमने ही जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया, ये हमारा ही मित्र का बेटा है। ये असल में पैसे वैसे मामले में ज्यादा कमाई इसने कर ली। मैंने उनसे ज्यादा तो पैसा नहीं कमाया, पहली बात। दूसरी बात, मैंने व्यापार से पैसा कमाया, ट्रांसफर पोस्टिंग से नहीं, शराब माफियाओं से नहीं, रेत माफियाओं से नहीं, किसी अवैध धंधे से नहीं। और जो व्यापार मेरा है वो किसी वर्तमान की पिछले 10-25 सालों की सरकार ने नहीं दिया है। 1952 में अप्लाई की थी, 1954 में स्वीकृति हुई थी मेरी खदान, और 1956 से वो खदान चल रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।